बंसल कंपनी द्वारा आज को हादसा हाल ही में 9 दिसंबर 2020 में 5 दिन पहले बंसल कंपनी के क्रांकिट मिक्सर से कुछ मजदूरों को घायल कर दिया गया था। बड़ी दुखद घटना थी, जिसके बाद कुछ पेशेंट को विदिशा रेफर किया गया और कुछ को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जो गंभीर पेशेंट थे वे विदिशा गए थे, उनको विदिशा से भी छुट्टी दे दी गई, लेकिन ना तो अभी तक एक्सरे आया है और इसमें से एक व्यक्ति का पेट भी फूल रहा है और खाना भी उसने नहीं खाया। लावारिस अवस्था में बस स्टैंड पर परिवार का कोई साथी भी उसके साथ नहीं है। दो लोग अन्य ऐसे हैं जो बेसहारा हैं और जो घायल होने की वजह से मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि अभी 3-4 रोज पहले बंसल कंपनी के डंपर से कुछ मजदूरों को घायल कर दिया गया था, उनके ऊपर दुर्घटना हुई थी लटेरी में। तो सर, उन मजदूरों के साथ में कुछ लोग ऐसे थे जो बेसहारा हैं, जिनके कोई सहारा देने वाला भी नहीं है, ना पति पिता है, ना भाई है, ना बहन है, ना माँ है। उनमें से 3 लोग ऐसे हैं पाए गए और बाकी भी मजदूर थे जी। तो सर, उनके अस्पताल से तो छुट्टी हो गई जी, लेकिन उनको अभी खाने पीने के लिए भी कोई सहारा कहीं से नहीं दिया जा रहा है। क्या है, अपन ने जो बंसल कंपनी के जो मिक्सर मशीन है जी, उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जी। मुकदमा कायम कर लिया है, जब्त वो मिक्सर मशीन जब्त भी कर लिए, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जी। जुर्म जमानती होने से जमानत पर रिहा किया गया है और आगे की कार्रवाई और विवेचना जारी है। जब विवेचना पूर्ण हो जाएगी अपन न्यायालय में जो चालान होगा। भविष्य में अभी आप आगे और क्या विवेचना आप करना चाह रहे हैं? जैसे इसमें कमल सिंह का एक्सरा नहीं आया सर, तो कमल सिंह का एक्सरा नहीं आया, इसे आप किसकी गलती कहेंगे, जबकि मरीज को छुट्टी दे के घर भेज दिया गया और उसका एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। वो तो अपन मंगानी पड़े भोपाल से। तो सर, फिर ये इसमें लापरवाही किसकी है? लापरवाही बिल्कुल नहीं है, आज गए हैं सर। भूखा मिल जाएगी सर, भूखा कितने दिन तक भूखा रहे सर? लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन